हेलो एंड वेलकम गाइस, टिकटॉक के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, मैं हूँ अरुण वड़ा, आप देख रहे हैं टेक्नोनम चैनल। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले इस हफ्ते का जो टॉप टेक न्यूज है उसके बारे में। तो गाइस, बिना टाइम गवाए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, फास्ट जो न्यूज आता है वो है टिकटॉक की तरफ से। तो आप जानते ही होंगे कि टिकटॉक अभी तक इंडिया में बैन हो चुका है, और गाइस जो कि कल तक गूगल प्ले स्टोर से ये हटा दिया था, पर आज ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर से भी हट गया है। तो गाइस, ये एप्लीकेशन आपको फिलहाल अभी तक टिकटॉक को नहीं मिलेगा, पर जो 24 तारीख को जो एक सुनानी है उसको देखते हैं उसमें क्या राय आता है। तो गाइस, अगला जो न्यूज आ रहा है वो है व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि व्हाट्सएप का जो है 2.19.106 बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। तो गाइस, इसमें आपको एक टोटल UI यानी यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो आ रहा है बहुत सारे न्यू इमोजीज और स्टिकर्स के साथ। और गाइस, व्हाट्सएप ने एक और नया चीज ऐड किया है, जो कि आपको इमोजीज और स्टिकर्स को सर्च करने के लिए एक सर्च बार ऐड किया है। और व्हाट्सएप की तरफ से एक और भी दावा कर रहा है कि आपको एक स्क्रीनशॉट ब्लॉक मिलेगा, पर ये कैसे काम करता है ये अभी तक पता नहीं चला है। तो ऑब्वियसली जब लॉन्च होगा तब देखते हैं ये कैसे काम करता है। और ये फीचर्स अभी तक बेटा वर्जन के लिए लॉन्च हुआ है, पर ये आपको अगले हफ्ते में ऑफिशियली जब वर्जन लॉन्च होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, नेक्स्ट जो न्यूज आ रहा है वो है फेसबुक की तरफ से, क्योंकि फेसबुक ने एक ब्लॉग पोस्ट में उसका अनाउंस किया है कि जो मैसेंजर का जो डार्क मोड आता है वो आपको अभी जो फ्यूचर्स अपडेट आने वाला है उसमें आपको ऑफिशियली मिल जाएगा। क्योंकि पहले जो होता था आपको एक मून का इमोजी सेंड करना पड़ता था आपको जो कॉन्वर्सेशन कर सकते उसके साथ, पर फ्यूचर जो आपने अपडेट आने वाला है उसमें आपको ये ऑफिशियली मिल जाएगा, कोई भी आपको इमोजी सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस, नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है पबजी मोबाइल की तरफ से। तो गाइस, क्योंकि पबजी का जो 0.12 का अपडेट है वो प्ले स्टोर में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। तो गाइस, ये अपडेट बहुत लोगों को पता नहीं है, तो आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जल्दी जल्दी से जाओ और प्ले स्टोर से अपडेट करो यार। पर ये अपडेट लगभग 400 MB के आसपास है। तो ऐसे इस अपडेट में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक नया मोड जो कि आने वाला है डार्केस्ट नाइट, और इसके साथ बहुत सारे नए गाने हैं, RPG गाने हैं, और एक नया इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि आप अब लॉबी में है और आपका फ्रेंड कोई गेम में है तो आप उसको स्पेक्टेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो चाहो और अपडेट कर दो। तो गाइस, इसके बाद जो न्यूज आ रहा है वो है एवेंजर्स एंडगेम की तरफ से, जो कि एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है 2019 के। तो गाइस, इस फिल्म का जो डायरेक्टर है रूसो ब्रदर्स, यानी जो रूसो एंड एंथोनी रूसो, जो कि सब इसे रूसो ब्रदर्स के नाम के पहचानते हैं। तो गाइस, रूसो ब्रदर्स के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है एक लेटर जिसमें बताया गया है फैन लोग को कि कोई भी स्पॉइल नहीं करे। और गाइस, नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है रियलमी की तरफ से। तो गाइस, रियलमी का जो CEO है माधव सेठ, उसने ट्यूसडे को एक ट्वीट किया है, उसमें बताया गया है कि रियलमी का जो ब्लाइंड सेल होने वाला है वो 19 अप्रैल यानी फ्राइडे को होने वाला है। और गाइस, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि इसका नाम दिया गया है ब्लाइंड सेल, क्योंकि इसमें आपको जो भी प्री ऑर्डर कर सकते हो उसको आपको जो स्पेसिफिकेशन या फिर इसका जो प्राइस है वो आपको नहीं बताया जाएगा। तो आपको ये रियलमी पे ट्रस्ट है तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। पर गाइस, मेरा राय है कि आप इसका ऑफिशियली लॉन्च के लिए आप वेट करें, क्योंकि गाइस ये हो सकता है कि आपके मन में एक चीज़ है और रियल में एक दूसरा चीज़ हो। जैसे कि आपको लगता है इसमें 6 GB रैम आएगा, पर रियल में असली में जो है 4 GB रैम आएगा, तो ये सब हो सकता है। तो आप इसे ऑफिशियली लॉन्च के बाद ही खरीदें, उसके लिए वेट करें। पर गाइस, इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है वो है Xbox One S ऑल डिजिटल एडिशन के लॉन्च के बारे में। तो गाइस, ये लॉन्च हो चुका है और इसमें आपको कोई भी डिस्क ड्राइव देखने को नहीं मिलेगा, और इसका जो प्राइसिंग है वो लगभग $249.99 है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 18,000 के आसपास होगा। पर गाइस, इंडिया में जब ये आएगा तो इतना प्राइस नहीं रहेगा, इसका जो प्राइस हो वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसको प्राइस आपको इंडिया में जब लॉन्च होगा तब ये आपको इससे भी ज़्यादा कीमत दे के खरीदना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप कॉन्सोल पे गेम खेलते हो, अगर खेलते हो तो आप नीचे कमेंट करो। तो गाइस, नेक्स्ट जो अपडेट आ रहा है वो है वन प्लस की तरफ से, क्योंकि वन प्लस 5T और 5K जो सिक्योरिटी पैच आने वाला है उसमें आपको ऑक्सीजन ओएस देखने को मिल जाएगा, और इसमें लॉन्चर्स के थोड़ा बहुत चेंज कर गया है, और ये अपडेट आपको अप्रैल के आसपास ही मिल जाएगा। और गाइस, इसके बाद जो अपडेट आ रहा है वो है फॉर्टनाइट बैटल रॉयल की तरफ से, क्योंकि फॉर्टनाइट का जो अपडेट है वो आ गया है।
और गाइस इसमें एपिक गेम्स के तरफ से बहुत कुछ ग्लिचेस फिक्स किया गया है और बहुत सारे नया फीचर्स आया है। और गाइस इसका जो साइज होने वाला है वो है 150 MB, और इसका जो एडिशनल फाइन होगा वो 1.5 GB से 3 GB तक हो सकता है आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग। और गाइस आप जो यदि आप इसका जो पैच नोट्स आने वाला है उसका एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो नीचे जाके कमेंट करो। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। तो गाइस अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाओ और जाकर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।